दोस्तों टेक्निक गुरुजी का बेल आइकन इंट्रो हो गया पुराना, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नया वाला बेल आइकन इंट्रो, जिसको आप वीडियो में कहीं पर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इससे आपके व्यूअर्स को परेशानी भी नहीं होगी और ये काफी अच्छा भी लगता है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। बेल इंट्रो बनाने के लिए दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में जाना होगा और यहाँ पर जाकर आपको रिकॉर्डिंग को चालू कर देना है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को चालू कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब आपको दोस्तों YouTube पर जाना होगा और YouTube पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपनी चैनल की आईडी को स्विच करना होगा। इससे ये होगा कि जब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप चैनल की आईडी सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, तो आपको दूसरी आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल आईडी को यहाँ पर स्विच कर लेता हूँ। इसका दोस्तों आप अपने चैनल को सर्च कर लीजिए, अगर आपको सर्च में नहीं आए चैनल तो आप व्हाट्सएप पर अपनी लिंक शेयर करके वहाँ से अपने चैनल पर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वीडियो पर क्लिक कर लीजिए कोई सी भी, उस वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। पोस्ट करने के बाद आपको दोस्तों आप जो नॉर्मल करते हैं वही आपको करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से मैं और एडवांस हो रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो के डेस्क्रिप्शन कैसे जा सकते हैं और किसी ऐप को वहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस कार्ड को नहीं, सिर्फ आप बेल आइकन तक ही रखें, क्योंकि फिर ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मुझे बताने के लिए। तो आप अगर करना चाहें तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सिर्फ बेल को क्लिक करने तक ही रखें। तो अब मैं बाकी की प्रोसेस कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप आगे तक आएँ तो आप अपनी YouTube ऐप को दोबारा स्विच करना जरूर रखें। जब आप इसको स्विच कर लें उसके बाद दोस्तों आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पुश कर दीजिए। अब हमारे पास बेल आइकन की वीडियो आ गई है। अब दोस्तों आपको इसको एडिट करना है Powerdirector में। Powerdirector में आप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और उसमें आप अपनी वीडियो को 8 गुना तक स्पीड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए, यहाँ पर आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, इसमें आपको नाम डालना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो इस तरह से लगा लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों बड़ा कर लीजिए, बड़ा करके कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फ्रेम लगाना है, तो यहाँ पर फ्रेम ले लेता हूँ, जो भी यहाँ पर फ्रेम है मेरे पास। आप इन फ्रेम्स को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेम पर लगा लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको इस फ्रेम को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लगा देना है और परफेक्टली फिट कर लेना अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हिसाब से। उसके बाद इसकी लेंथ को बढ़ा दीजिए अपनी वीडियो के हिसाब से। अब दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को प्रोड्यूस कर लीजिए। जब आपकी वीडियो प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद आप बैक करिए और नया प्रोडक्ट बना लीजिए या फिर इसी को एडिट कर लीजिए। तो आप नया प्रोडक्ट बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी नाम दे देना, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट करी थी Powerdirector उसको यहाँ पर लगा लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर आपको एडिट करना है, यानी कि जो आपको बेकार पार्ट्स हैं उनको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर आप उसको स्पीड अप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो उनके बेकार पार्ट्स और जो बोरिंग पार्ट्स हैं उनको जल्दी से ट्रिम कर लेता हूँ। उसको दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लैंक इमेज लेनी होगी, यानी कि वाइट कलर की। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस पर जो टाइटल आ रहा है वो हम यहाँ से इसको ढक देंगे। दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर ऐसी वीडियो डालेंगे जिसमें टाइटल की जगह खाली आपने एक सिंपल डॉट डाल दिया हो, तो इससे आपको ब्लैंक इमेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे केस में मैंने टाइटल डाला है तो मुझे ये करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आपने भी टाइटल लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमारी वीडियो बन चुकी है, अब आप इसको प्रोड्यूस कर लीजिए। अब आप दोस्तों हमारे पास ये फाइनल वीडियो आ गई, इसको आप अपने फोल्डर में सेव कर लीजिए। इसको दोस्तों आप Kinemaster में चली जाइए, यहाँ पर इस वीडियो को लगा लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको उस वीडियो को लेयर करना है जिसमें आपको ये बेल आइकन लगाना है। तो मैं अपनी वीडियो को लेयर कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको इस वीडियो में उस पोर्शन को ढूंढना है जहाँ पर आप इस बेल आइकन को लगाना चाहते हैं। तो मैं इस पोर्शन पर लगाना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो के आगे 1 सेकंड का पार्ट को काट लीजिए इस तरह से, आप इस पर काट सकते हैं। उसके बाद इसको दोस्तों इस तरह से लगाना, जैसा आप YouTube वेब पर जाते हैं वहाँ पर वीडियो चलती है, उस तरह से आपको दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी फटाफट से इसको लगा देता हूँ। इसकी जो ड्यूरेशन है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इसको पीछे भी लगा दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी वीडियो का टाइटल है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। यहाँ पर मेरा है हाउ टू मेक बेल आइकन, जो मैंने रैंडम ही ऐसी लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से आप साइड में जाएंगे तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको करना हो। इतना सब करने के बाद इसका भी ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जितना आप करना चाहते हैं। और दोस्तों इसको आप कॉपी डुप्लीकेट कर लीजिए या कॉपी जो भी करना है, और कॉपी करने के बाद इसको भी दोस्तों आपको सबसे लास्ट में जाकर लगा देना है। अगर दोस्तों आपने अभी पूरे डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी डिटेल में आपने बताया हो, तो अगर आपने बेल आइकन तक बताया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नीचे लगाने की। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पर अपनी वीडियो को ले लीजिए जो भी आपकी वीडियो थी, और जहाँ पर आपने बेल आइकन इंट्रो को लगाना था उस तरह से यहाँ पर कट कर लीजिए और ब्लैंक इमेज वाइट वाली ले लीजिए।
उसके बाद अपनी वीडियो को लेयर कर ली जो आपने अभी एक्सपोर्ट करी थी कान मास्टर की, जिसमें आपने अपना टेक्स्ट डाला था, अपना टाइटल डाला था। इस तरह से लगाने के बाद आप इसको जूम आउट कर लीजिए और की टूल पर जाने के बाद आप थोड़ा सा आगे जाइए इस प्रोडक्ट के और उसको छोटा करिए, यानी कि पहले आपको उसको बड़ा करना था, स्क्रीन को पूरा करना था, उसके बाद की टूल पर जा करके थोड़ा सा गैप दे करके इसको नीचे कर देना है। यहाँ पर जल्दी से सेट कर लेता हूँ इसका दोस्तों। आपको यहाँ पर क्रॉप कर जाकर इसको जो शेड हुआ वो भी लगा देना है। एक आई बटन में एक वीडियो आ गई दोस्तों, आप उसको देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप ये सब करने के बाद आप अपनी इस वीडियो के लास्ट में जाइए और यहाँ पर भी इसको इसी तरह से सेट कर लीजिए जैसे जैसे आपने पहले करा था। अब दोस्तों आपको अपनी वीडियो को और इस बेल आइकन को मैच कर लेना है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट से कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो में नया वाला बेल इंटोन लग चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक उसे कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती नहीं। इसी तरह दोस्तों सीन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।